हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ग्रेड स्टडी। आज अपन 10th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे, जिसका एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन सड़क सुरक्षा शिक्षा। बेसिकली ये चार टॉपिक में डिवाइडेड है। पहला है समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा आंकड़ों का संकलन, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग और चौथा दोष राशियों पर आधारित समस्याएं। तो यहाँ पे अपन वन बाई वन एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे पहले मार्किंग देख लेते हैं जो बोर्ड के हिसाब से, वो ये है कि जो समांतर श्रेणी है इस पर जो आधारित क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है, आंकड़ों का संकलन है वो 1 मार्क्स का है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है 2 मार्क्स का है, और जो 2-4 राशियों पर आधारित समस्या है वो 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है वो अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है, मतलब दो पॉइंट है, दो लोकेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी अपने को 150 किलोमीटर दे रखी है, तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल है। इसका मतलब कोई भी व्हीकल अगर ए से बी तक जाता है तो उसको 10 सिग्नल क्रॉस करने पड़ते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए वह बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है, मतलब अगर ए से कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है और बी तक पहुंचती है किस तो उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 30 मिनट। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्नानुसार रुकना पड़ता है। इसका मतलब एक दिन यातायात ज़्यादा होने की वजह से उस गाड़ी को रुकना पड़ता है, और वो किस टाइप से रुकना पड़ता है वो देखिए। प्रथम यातायात सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, द्वितीय पे 2 मिनट, ऐसे करते करते 10वें पे 10 मिनट। इसका मतलब हर यातायात सिग्नल पे उसको 1-1 मिनट ज़्यादा दे रही है। पहले पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3, ऐसे करते करते 10वें सिग्नल पे उसको कितना रुकना पड़ता है, 10 मिनट। उसी कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए यदि वे सभी यातायात सिग्नलों की अनुपालना करती है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सभी स्टेशन पे या सिग्नल पे रुक रुक के जितना बोल रखा है उतना रुक रुक के अगर जाती है तो आपको ये ज्ञात करना है कि ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि ये इसको जो पहले जो टाइम लगता है, मतलब बिना रुके जो टाइम लगता है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे 30 मिनट। और यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्या किया है, जो गति दे रखी है वो कार की दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये वाला टाइम ना दे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी गति आपको दे रखी है, तो आप इसको सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, अपने को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां से दूरी अपने को दे रखी कितनी, 150 किलोमीटर, और अपने को चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, समय बराबर, देखो दूरी 150 बटा चाल 60, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 6 × 12 पीछे 3.30, 6×5 30, मतलब 2.5, मतलब 2 घंटे, और ये आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट। तो ये आपको टाइम ऑलरेडी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाला टाइम दे दे, और हो सकता है नहीं भी दे, अगर नहीं देता है तो आपको क्या दे देगा, इसकी ये वाली चाल दे देगा, ताकि उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये बात तो हुई, अगर वो सिग्नल पे नहीं रुकती है तो उसको कितना समय लगता है, परंतु यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि उसको रुकना पड़ रहा है, तो अपन टाइम निकालेंगे t = टोटल समय, कुल कितना समय निकलेगा लगेगा। तो यहाँ पे दो टाइप का समय लग रहा है, अगर सीधे निकलती है तो भी उसको कितना टाइम लगता है, लेट कर लो वो t1 लगता है, और उसको यातायात की वजह से उसको रुक रुक के जाना पड़ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वो कितना लगता है, t2। इसका मतलब उसको ए से बी तक जाने में उसको दो टाइप का समय लगेगा, एक तो सीधा निकल जाती है बिना रुके तो उसको लगता है 2 घंटे 30 मिनट, और रुक के जाती है वो वाला भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और वो कितना है, ये वाला जो t2 अपने को निकालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी t1 अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, और वो कितना है, 2 घंटे 30 मिनट, अपने को निकालना क्या, T2
T2। T2 क्या है? जो अतिरिक्त समय लगा है उस व्हीकल को, उस गाड़ी को उन यातायात सिग्नल पे जाने के लिए। ठीक है, तो यहां से T2 कैसे निकालेंगे? तो देखो इसने क्या कहा है, प्रथम यातायात सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, द्वितीय पे 2, ऐसे ऐसे 3, और 10वें सिग्नल पर कितनी रुकती है? 10 मिनट। इसका मतलब ये जो समय लगा है, ये अतिरिक्त समय लगा है उसको रुकने में। तो ये वाला कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए अपने को एक चीज जान लेनी है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है 1+2 3, 3+3 6, ऐसे नहीं करना। इसको अपन समांतर श्रेणी, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, उसका एप्लीकेशन करके अपने को क्या निकालना है, ये टोटल टाइम निकालना है T2। तो यहां से अपने को यहां पे चीज दिखाई दे रही है कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी बन रही है 1+2, 2+1 3, 3+1 4, ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका n पदों का योग निकालेंगे। और अपने को पता है समांतर श्रेणी में n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक a+l, जहां पे n होती है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद, एक और होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a+n-1 × d। यहां पे n होता है पदों की संख्या होती है, a होता है प्रथम पद होता है, l अंतिम पद होता है। इस फॉर्मूले में वही n पदों की संख्या, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या, d क्या है, सार अंतर है। तो यहां पे अपने को ऑलरेडी अंतिम पद दे रखा है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे क्या क्या दे रखा है, देखो a बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, n बराबर कितने हैं, 10 पद है तो 10 दे रखा है, और l बराबर क्या अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना है, 10। तो ये सारी चीजें, तो अपन क्या करेंगे, S10 निकालेंगे। तो S10 कैसे निकालेंगे, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, n बराबर कितना दे रखा है, तो S10 बराबर 10/2, n कितना है 10, तो n की जगह 10 रख दिया। a कितना दे रखा है अपने को, 1 प्लस l कितना दे रखा है, 10, तो ये बन गया। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 5 times, और ये कितना हुआ, 10+1 11, तो ये कितना हुआ, 5 × 11 मतलब 55 मिनट। तो ये अपने पास T2 मिल गया। T2 का मतलब होता है कि उस सिग्नल्स पे, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि सबकी सभी यातायात तो क्या करता है, अनुपालना करता है, मतलब वो गाड़ी वाला, तो अपने को टोटल टाइम निकालना है। तो ये टोटल टाइम जो T2 है वो अपने पास कितना आ गया, 55 मिनट। तो टोटल टाइम क्या निकालेंगे, T=, अपने पता है T1 कितना है, 2 घंटे और 30 मिनट, और T2 अपन ने निकाल लिया कितना आ गया, 55 मिनट। तो इसमें ऐड कर देंगे 55 मिनट, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 घंटे 85 मिनट, और इसको घंटे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 60 यहाँ से ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे, और पीछे कितना बच गया, 25 मिनट। क्यों, क्योंकि अपने 60 मिनट यहाँ से लेके घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 3 आवर बन गए, और पीछे कितनी बच गई, 25 मिनट। तो अब अपन कह सकते हैं कि किसी भी व्हीकल को जो यहाँ से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे 25 मिनट। ये टोटल टाइम है जब वो सारे के सारे यातायात सिग्नलों की अनुपालना करती है गाड़ी। इसका मतलब जितना भी अपने को रुकने के लिए बोल रखा है, अगर वो रुक रुक के जाती है तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटे 25 मिनट, और अगर डायरेक्ट जाती है, अगर बिन यातायात नहीं है ज़्यादा, किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 30 मिनट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर हो जाएगा टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे और 25 मिनट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आंकड़ों का संकलन। इसमें बेसिकली आपको कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या तो PUC, या फिर इससे ज़्यादा पूछेंगे तो आपसे CCTV कैमराज की पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PUC की फुल फॉर्म बताइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में हमेशा। तो PUC की फुल फॉर्म क्या है, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और या फिर CCTV की पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये आज तक पूछी नहीं है, वैसे ये पूछ सकते हैं आपसे, और ये मोस्टली बार बार पूछी जाती है आपको 1 मार्क्स में कि PUC की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या फुल फॉर्म है PUC की, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र।
दूसरा इसमें से कभी कभार ग्राफ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अभी तक पूछा नहीं अपन, तो कैसे पूछेंगे? देखो यहाँ पे क्या, जैसे कोई भी व्हीकल मूव करता है यहाँ पे, उसमें क्या होती है, गैसेज निकलती है, तो उसकी जो सांद्रता है वो अपने क्या एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इसकी सांद्रता से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो गैस निकली है व्हीकल से SO2 NO2 उनके ग्राफ दे दिए जाते हैं कि, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जैसे कि रेड वाला ग्राफ है वो किसका है, NO2 का है, या फिर ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, SO2 का है। तो यहाँ से ये चीज़ पूछी जाती है कि इनकी सांद्रता किस साल में कितनी थी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो गैस निकली है SO2 वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा थी और किस ईयर में सबसे कम। तो ग्राफ देख के अपन निकाल सकते हैं, देखो ये वाला ग्राफ यहाँ पे अधिकतम है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला, ऐसे करते करते यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट कहाँ थी 1998 में, ये अपन यहाँ से देख के बता सकते हैं लोवेस्ट कहाँ पे थी, ये 2002 में। इस टाइप से, इसी टाइप से, इस टाइप से इस दूसरे वाले रेड वाले ग्राफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मोस्टली आते नहीं है इस टॉपिक में से, जो आंकड़ों का संकलन है इसमें से ये या फिर ये, इन दोनों का रहता है, मोस्टली यही पूछा जाता है PUC। चलिए तीसरा टॉपिक लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ बेसिक एप्लीकेशन यूज़ करके अपने को जो जो चीज़ पूछी गई है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, अपनी बुक का ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक सीधे हुए 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में, मतलब ये वाला कैमरा लगाने के बाद आपसे तीन क्वेश्चन पूछे हैं, क्या पूछा है, पोल के पाद मतलब फीट से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। और तीसरा, क्या आप सोचते हैं कि CCTV कैमरा यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है, यदि हाँ तो कैसे। चलिए इसको समझते हैं, क्या किया जाता है कि जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे अपन एक पोल लगाया, और पोल पे क्या लगा दिया, यहाँ पे अपन एक ऑलरेडी कैमरा लगा दिया, तो ये कैमरा ऑलरेडी यहाँ पे ये कैमरा है, तो ये कैमरा ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा यहाँ से, जैसे ये अपना ग्राउंड है, ऐसे कैमरा लगा दिया, तो यहाँ से कैमरा लगाए तो ये ऑलरेडी देखो यहाँ से कैमरा ऐसे देखेगा इस साइड से, तो ये वाली, तो यहाँ पे क्या ये पूरा ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो इसका पाद, इसका मतलब फीट यहाँ पे टच है, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो जैसे अपनी आँख देखती है वैसे ही कैमरा दिखता, सीधा देखेगा, तो यहाँ से लेट कर लो ये है इसका फीट है, यहाँ पे कैमरा है, तो यहाँ से इसने ग्राउंड पे ऐसे देखा, तो ये फीट से कुछ दूरी तक, दूरी के आगे देखना शुरू करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये इसका फीट है, तो इससे कुछ दूरी से ये ऐसे देखेगा, तो उसके आगे आगे देखना शुरू करेगा, इस एरिया में वो नहीं देखेगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, इसका मतलब यहाँ से जैसे यहाँ पे अपने दे रखा है, तो उसके कितनी दूरी के आगे अपने को यातायात दिखाई देगा। तो इसको समझते हैं, लेट कर लो ये पोल है, ये पोल है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और इसकी कितनी ऊंचाई दे रखी है, 12 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है जो कितना मीटर देख सकता है, 13 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे आगे देखना शुरू कर देता, इस एरिया में इसको दिखाई नहीं देता है, कैमरा यहाँ पे नहीं देख सकता है, ऐसे कैमरा स्लो करेगा तो उसके आगे की चीज़ें इसको दिखाई देगी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि पोल के पाद फीट से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, इसका मतलब कैमरा ने यहाँ से देखा तो इसके आगे आगे पूरा का पूरा यातायात दिखाई देगा, पोल के और इस वाली बिंदु के बीच में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है इस पे इसको यातायात दिखाई नहीं देगा। तो ये पूछा है, तो लेट कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अपने को क्या पता करना है, BC डिस्टेंस अपने को पता करनी है। तो BC डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ABC क्या है, एक
समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी आपको गिवन है और बी सी पूछा है, तो अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अपन जानते हैं कि है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी। तो अपन क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे जो जो दे रखी है। तो यहाँ पे एक तो ए सी दे रखा है, ए सी कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी, अपने को पता करना है तो बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 12 का स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, या तो पूरा 13 का स्क्वायर लिखो 12 का स्क्वायर लिखो उसमें से घटा के अपन देखें, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो गया बराबर बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने को पता है चूंकि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से ये कितना हो गया 25 इंटू, इसमें से एक कम करेंगे तो यह कितना आ जाएगा एक, बराबर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो यहां से बी सी का स्क्वायर यहां से देखेंगे तो 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है प्लस माइनस, परंतु यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, इसका लॉजिक ये है कि ये क्या है बी सी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो बी सी डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 5 मीटर आ गई अपने पास। तो ये जो पूछा था पहला क्वेश्चन है कि पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे का यातायात दिखाई देगा वो कितनी आ गई 5 मीटर, अर्थात ये आ गई 5 मीटर, इसके आगे अपने को यातायात दिखाई देगा। इसका मतलब ये कैमरा है तो ऐसे रोटेट करेगा, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर तक इसके फीट से, इस फीट से 5 मीटर तक अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसके आगे से दिखाई देना शुरू होगा। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला पहला क्वेश्चन अपना जो हेडिंग थी उसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, पोल के चारों ओर वह क्षेत्रफल, अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये पोल लगा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कैमरा है इस टाइप से लगेगा, तो ये कैमरा पूरा घूम सकता है, तो इस टाइप से इधर ये पूरा घूमेगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसे घुमा के देखो ये क्या बनेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो ये ऐसे मूव करता हुआ, ये देखो यहाँ से इस टाइप से सर्किल बनाएगा, मतलब ये वाला नीचे वर्त है पूरा का पूरा, इसको यूं ले लेंगे देखेंगे तो ये क्या है पूरा पूरा क्या बनाएगा, एक वर्त बनाएगा। मतलब इस वाले वर्त में ये जैसे ये लाइन है ऐसे कैसे ये भी लाइन है, इस टाइप से, इस टाइप से ये पूरा का पूरा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। यहां से इसके आगे आगे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, परंतु ये वाला जो वर्ताकार क्षेत्रफल बना है इसमें कैमरे से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको यही पूछा है। तो पोल के चारों ओर अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अपने को ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वर्त, ये वर्त बनाए और अपने को पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अपने को दूसरा, ये वाला पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा पॉइंट टॉपिक, ये बनेगा वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको ये चीज दिखाई दे रही है बी सी अब इस वाले वर्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या ऑलरेडी अपन ने निकाल रखी है 5, तो कितना हो जाएगा पाई, पाई होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर निकाल दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू 25, ये 0, 2, 5, 7, 15, 8, 2, 6,
जीरो, 78.5, तो ये हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया है जिसमें इस कैमरे से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अदृश्य क्षेत्र है, वो कितना हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था सब टॉपिक का कि पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है, यदि हाँ तो कैसे? ऑब्वियसली बात है, कैमरा से अपन निगरानी कर सकते हैं सारी चीज़ों की, कितने व्हीकल्स किस साइड मूव कर रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, तो इस चीज़ से अपन क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को क्या है, सीसीटीवी कैमरा है तो उसके लिए बिल्कुल उपयोगी है। तो चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये तो एक टॉपिक था जिसका अपन ने, जो आपको एग्जाम बुक में दे रखा था उसको अपन ने सॉल्व किया। अब इसमें से और किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, ये चीज दे रखी थी, इसकी पोल की जो ऊंचाई दे रखी थी और जिसको दृष्टि रेखा वो दे रखी थी। तो हो सकता है हर बार आपको ये चीज, इसमें से तीन चीज है, एक तो ये वाली उसका कारण, ये वाली दृष्टि रेखा, एक ऊंचाई और एक क्षेत्रफल, ये तीन चीजों के बीच में ही डील करनी है आपको। तो तीन में से कोई दो आपसे देंगे, कभी कभी हो सकता है आपको ये वाला क्षेत्रफल दे दे कि इस वाले जो पोल है उस पर एक कैमरा लगा, सीसीटीवी कैमरा, तो उसे इतना अदृश्य जो क्षेत्रफल है, वर्थ है, उसका एरिया इतना है, और उसके बाद हो सकता है आपसे पूछे कि उस कैमरे की जो दृष्टि है, जो दृष्टि रेखा है वो कितनी है, 13 मीटर या जो भी इसमें कुछ दे रखेंगे, तो आपसे क्या पूछेंगे, कैमरा की जो ये जो पोल है इसकी ऊंचाई क्या है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस वर्थ के क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, बेस आधार हो जाएगा, और जैसे ही आधार अपने पास आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तो ये दिया होगा तो ये पूछेंगे तो ये दिया होगा, दोनों में से कुछ न कुछ एक दिया होगा और दूसरा पूछेंगे, तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाली दूसरी वैरायटी थी जिसमें अपन ने कवर किया, इसमें क्या था, अपने को ये वाला एरिया निकालना था, हो सकता है वो एरिया देख के भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया अपने त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दो चार राशियों पर आधारित समस्याएं।